घर में गुजिया बनाना इतना ज्यादा आसान भी हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, आज आप इस गुजिया बनाने के पूरे प्रोसेस को देख लेंगे तो आप एक ही बार में पूरी की पूरी गुजिया बनाना सीख जाएंगे। साथ ही में इतनी आसानी से ये गुजिया बनके तैयार हो जाएगी और आप अपनी उंगलियां चाटते थक जाएंगे, क्योंकि घर की ये एकदम स्वादिष्ट एकदम हाइजीन गुजिया आपका और आपके मेहमानों का दिल जीत लेने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं ये स्वादिष्ट गुजिया कैसे बनाई जाएगी। तो सबसे पहले गुजिया की स्टफिंग को तैयार करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें लगभग 2 चम्मच हमने देसी घी ऐड कर लेने हैं। अब दोस्तों हमने लेना है आधी कटोरी से भी थोड़ी सी कम सूजी और सूजी को भूनना है। और सूजी को जब तक भून रही है तब तक उसी के साथ साथ आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फटाफट से काट लीजिए। ड्राई फ्रूट्स के नाम पे मैं थोड़े से बादाम काट रहा हूँ। बादाम के साथ साथ मैं थोड़ी सी किशमिश लेने वाला हूँ, क्योंकि बादाम किशमिश और काजू और पिस्ते का जो मेल है वो गुजिया की स्टफिंग को बहुत ही बढ़िया बनाता है। तो बादाम काट लिए हैं, अब थोड़ी सी किशमिश काट लेते हैं। किशमिश के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बोला था तो फटाफट से थोड़े से काजू भी काट लेते हैं और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। आप चाहें तो पिस्ता भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, वहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भुन रही थी तो थोड़ी भूनते वक्त हमने इसको बहुत ही हल्का सा लाल करना है और उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा खोया ऐड करना है। सूजी और खोया दोनों ऑप्शनल है, आप दोनों में से एक चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों का जो मिश्रण है वो 100 में से 100 नंबर वाली बढ़िया गुजिया आपके लिए तैयार कर देगा। तो बहुत ही थोड़ी सी सूजी, उसको हल्का सा भुना, जैसी वो हल्की सी लाल होनी शुरू हुई इसमें थोड़ा सा 1 कटोरी के लगभग खोया ऐड कर देंगे। बस आपको इन दोनों को अच्छे से भूनते रहना है। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो खोया है और जो सूजी है वो देखते ही देखते ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी और आपको इसको पूरी तरीके से भूनना है, ब्राउन करना है। तो आप इसको अच्छे से मसलते रहें, घुमाते रहें। और इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे इलायची से। तो सबसे पहले मैं 2 इलायची इसमें डाल दूंगा। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इलायची के 2 दाने डालने के बाद मैं इसमें जायफल डालूंगा। पिसा हुआ ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगता है थोड़ा सा पिसा हुआ जायफल। आप इसको ऐसे चलाते रहें हल्का, आप देख सकते हैं ब्राउन होना शुरू हो चुका है खोया और थोड़ी सी सूजी। तो इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। बीच में मैंने थोड़ा सा इसमें डालना है डेसिकेटेड कोकोनट। घर पे ही कोकोनट का मैंने बुरादा निकाला था कद्दूकश करके, तो वो थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है। साथ ही में अब इसमें मैं डालूंगा आपके स्वाद अनुसार चीनी। 1 कटोरा पूरा चीनी का पाउडर है। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1 कटोरी भरी हुई मैंने चीनी के पाउडर की इसमें डाल दी है। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों इसको तब तक भूनना है जब ये हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर देगा। थोड़ी सी चीनी कम लग रही थी तो हल्की और बढ़ाई है। और जब तक इसको भूनना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हल्का हल्का ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा जेली टाइप सा हो गया है, यानी कि अब ये लगभग तैयार हो चुका है 80%। और कलर भी आप देख सकते हैं इसका कैसे डार्क होना शुरू हो गया है। बस इसी स्टेज पर हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं और इसको थोड़ा सा और घुमा लेना है। अभी आपके सामने ये हल्का सा ऑयल और छोड़ देगा, बस मैं उसके बाद इसका गैस बंद कर दूंगा और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ दूंगा। तो चलिए, लगता है हमारा मिश्रण जो हमने फिलिंग करनी है हमारी लगभग बनके तैयार हो गई है। बहुत ही यम्मीलिशियस बनती है। और चलिए, अब समय आ गया है, गैस को कर देते हैं बंद। बढ़िया फिलिंग तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसका डो तैयार करते हैं, तब तक वो ठंडी हो जाएगी फिलिंग। डो तैयार करने के लिए हमने लगभग 1.5 कप मैदा ले लिया। इसमें लगभग मैं 4 से 5 चम्मच देसी घी के डालूंगा। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। मिक्स करते वक्त आप ध्यान रखें इसका एक हल्का हल्का लड्डू सा बनने लग जाए, इसका मतलब ये एकदम ठीक है, देसी घी की और ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपस में ये आटा हल्का हल्का, मैदा हल्का हल्का चिपकने लगा, ये देखिए। बस अब दोस्तों इसमें धीरे धीरे हम करेंगे ठंडा पानी ऐड, ताकि इसका रोटी की तरह हम डो तैयार कर लें। पहले अच्छे से ऑयल मिक्स करा और उसके बाद ठंडा पानी डाला, ये देखिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ को चलाते रहें और इसका परफेक्ट डो बना के तैयार कर दें। बस 2 ही चीज़ इसमें डलेंगी, घी या ऑयल और पानी, दैट्स इट। इसके अलावा इस डो में कुछ भी बन के तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं डलेगा। तो चलिए, डो हमारा पूरी तरीके से लग चुका है। इसकी अच्छे से परफेक्ट नीडिंग करें, जितना हो सके अपना हाथ चलाते रहें, अच्छे से इसको तैयार करें। जितना हाथ चलाएंगे उतना ही परफेक्ट डो बन के तैयार होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस डो में से हम छोटी छोटी गोलियां निकाल लेंगे, जिसकी हमने गुजिया तैयार करनी है। तो इतने डो में हमें लगभग 10-12 बॉल्स मिल जाएंगी। तो बस आप ये गुजिया के लिए थोड़ी थोड़ी डो की बॉल्स निकाल ली हैं, ये लीजिए। चलिए, तो अब परफेक्ट बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो देखते ही देखते आप देखेंगे 8 से 10 बॉल्स, 10 से 12 बॉल्स हमारी तैयार हो जाएंगी इतने डो में। डिपेंड करता है आप गुजिया का साइज़ क्या रख रहे हैं।
तो लगभग इतनी हमारी ये बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बेल लेते हैं। इतने हमारी जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है। बेलने के लिए आपने एक बॉल ले ली, उसको गोल शेप में बेल लिया। आप चाहें तो इसको किसी रिंग कटर से गोल कर सकते हैं, कटोरी की उल्टी साइड से गोल कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही परफेक्ट शेप दी जाएगी, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इसको गोल करके बीचों बीच इसमें स्टफिंग रखनी है। ध्यान रखें, स्टफिंग एकदम बीचों बीच रखें, एक साइड नहीं रखें। बीचों बीच से परफेक्ट शेप आती है। तो चलिए ये तैयार है, इसमें हमारी स्टफिंग जाएगी। और दोस्तों, जब आप इसको एजेस से मिलाएंगे तो हमने थोड़ा सा पानी लेना होगा। तो हमने एक पानी की कटोरी ले रखी है, उससे एजेस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मैदा अच्छे से पकड़ ले एक दूसरे को, और ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड के साथ साथ आपको देखना है ये पानी की वजह से अच्छे से चिपक चुकी हो, कहीं से भी कमी ना रह जाए। बस इसको अच्छे से दबाते चले जाएं और हल्का सा कोने से पतला करते चले जाएं। अब इसको शेप देने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसे फॉक की मदद से शेप दे सकते हैं, दूसरा आप एक और बना के दिखाते हैं, उंगलियों को घुमा घुमा के जैसे बाजार में शेप होती है वैसे दे सकते हैं। वो भी बेहद ज़्यादा आसान है, कोई ऐसी मुश्किल वाला कोई काम नहीं है। तो चलिए दिखाता हूँ। इसमें भी दूसरे में भी हमने फटाफट से स्टफिंग डाल लेनी है। फॉक वाला आसान है, कोई भी घर पे कर सकता है। ये वाला भी आसान है, मुश्किल नहीं है। ये एकदम बाजार स्टाइल करके दिखाएंगे। ऐसे मोड़ा, फिर से हल्की सी ऑयलिंग करी, पानी लगाया हल्का सा, ऑयलिंग नहीं सॉरी पानी लगाया एजिस पे सर्कल के बाहर बाहर, और बस इसको ऐसे पैक कर लेंगे। उसके बाद बाजार जैसी लुक देने के लिए कैसे घुमाना है वो भी आपको बताते हैं। ये आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से घुमानी होगी। पहले तो आप इसे पतला कर लीजिए, अच्छे से चिपका लीजिए, और अब इसको करते हैं घुमाना शुरू बाजार की जैसी बनाने के लिए। ये देखिए, पूरा पतला करते जाएं, इसको अच्छे से चिपकाएं। अब इसको घुमाएंगे, ये ऐसे घुमाएंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली किया जाता है। एक दो बार अच्छी शेप ना भी है तो कोई बात नहीं, आप घर पे ही बना रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये एकदम बाजार जैसी बनके तैयार हो जाती है, देखिए परफेक्ट एकदम। ऐसी हम ढेर सारी अब तैयार कर लेते हैं, सारी की सारी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। रिपीटेड दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई इसे मोड़ने में, नीचे से ला के मोड़ना होगा इसको। हाँ, तो चलिए देखते देखते आप देख सकते हैं हमारी ढेर सारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। अब बस इसको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं, इतनी सारी बना ली है हमने। ये आप कहेंगे इतनी सारी गुजिया कैसे आ गई, हमने थोड़ा सा आटा और मल लिया था क्योंकि स्टफिंग कुछ ज़्यादा लग रही थी। बस ऑयल को अब हमने थोड़ा सा गर्म करना है, और साथ में दूसरी तरफ चाशनी तैयार करनी है। चाशनी के लिए हमने दो गिलास पानी ले लिया, उसमें डालूंगा दो कटोरी में चीनी भर के, और उसके बाद इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड करूंगा चाशनी में। एक कटोरी गई और ये दूसरी कटोरी। अब दोस्तों चाशनी में मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा केसर अच्छे कलर के लिए, और इलायची, इलायची का दाना और केसर बहुत अच्छी खुशबू दे देगा। तो चलिए ये लगभग डल गई, और अब अच्छा इसका येलो कलर भी आ जाएगा केसर की मदद से, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए वहाँ पे उसको पकने देते हैं, ये चाशनी थोड़ी देर उबल के तैयार हो जाएगी। वहीं पे हम दूसरी तरफ ये तल लेते हैं, एक बारी में तीन से चार डालें काफ़ी है, गुजिया हमारी तल जाएंगी। इसको मीडियम आंच पे तलें, तीन से चार मिनट में अच्छी सुनहरी रंग की हो जाएंगी, और उसके बाद हम इसे चाशनी में डुबोएंगे। चाशनी को दोस्तों गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने देना, एकदम गर्मा गर्म में आप बिल्कुल मत डालना, नहीं तो गल जाएगी ये। तो चलिए वहाँ पे हमारी चाशनी तैयार हो रही है, इधर हम फटाफट से गुजिया हमारी जो तल गई है इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये परफेक्ट गुजिया आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों जब तक ये गुजिया बन के पूरी तरीके से तैयार होती है, आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेहद ही मेहनत करके तैयार किया है। और दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए गुजिया फटाफट से निकाल लेते हैं। एक प्लेट में हमने टिश्यू रख लिया है, उस प्लेट में निकाल लेते हैं, ढेर सारी गुजिया हमारे पास हैं। तो चलिए भाई आप फटाफट से सारी गुजिया हमारी प्लेट में निकालने के बाद इसको हम चाशनी में डिप करेंगे, जब चाशनी गर्म नहीं रहेगी ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी, थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो चलिए समय आ गया है, बस इस गैस को फटाफट से बंद करते हैं। चाशनी काफ़ी ज़्यादा देर से बॉयल हो रही है, थोड़ा सा अभी इसको होने देते हैं। तो चलिए और गुजिया का एक लॉट निकाल लेते हैं इतनी देर में। तो आप भी ऐसे एक एक करके अपनी गुजिया को निकाल लीजिए, घर पे बनेगी एकदम स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए हमने ढेर सारी गुजिया निकाल ली है, इतने चाशनी भी ठंडी हो जाएगी दूसरी तरफ, तो उसके बाद देख लेंगे हमें और क्या करना है। तो चलिए हमने लगभग ढेर सारी गुजिया निकाल ली हैं, चाशनी एक तरफ हमारी ठंडी हो गई थी, तो अब हम इसको डिप करेंगे। चाशनी देख सकते हैं ठंडी होने के बाद कितनी थिक हो गई है,
ज्यादा गर्म नहीं रही है। बस इसको आपको क्या करना है, 2 मिनट एक तरफ से डिप करके रखना है और 2 मिनट दूसरी तरफ से। दोनों तरफ से आपको 2-2 मिनट डिप करने के बाद इसे निकाल लेना है और ये आपकी परफेक्ट गुजिया बनके तैयार है। आप बिना चाशनी की खाना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं चलता हूं दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर